24 घंटा ये एम्बुलेंस खिदमत खल्क के लिए हाजिर है कि पेशेंट्स के आने जाने में कोई तकलीफ न हो। आप जहां तक कहेंगे वहां तक ये एम्बुलेंस आपको लेकर के जाएगी और आपको कोई चार्जेस नहीं है सर। ये टोटल फ्री है सर, टोटल फ्री। मुंब्रा कौसा में एम्बुलेंस के लिए लोगों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था। एम्बुलेंस न मिलने की वजह से कई मरीजों को समय से अस्पताल न पहुंच पाने की वजह से उनकी मौत भी हो चुकी है। इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से आज मुंब्रा शहर के लिए एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई। इस एम्बुलेंस का उद्घाटन हाउसिंग मिनिस्टर जितेंद्र अवार्ड ने किया है। एमएमवली स्टेडियम में मंत्री जितेंद्र अवार्ड ने उद्घाटन किया। मौके पर कलवा मुंब्रा के अध्यक्ष शमीम खान, शानू पठान, रेहान पीतलवाला, अश्विन राउत, फरजाना शेख, हफीजा नाइक, रूपाली गोटे, संगीता केलकर और ऐसे कई नगर सेवक मौजूद थे। आपको बता दें कि जो आज एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई गई है ये बिल्कुल फ्री है। एम्बुलेंस सेवा के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये सारे नंबर एम्बुलेंस पर दिए गए हैं। उद्घाटन के बाद मंत्री जितेंद्र अवार्ड ने एम्बुलेंस को खुद चलाकर जायजा लिया। इसी तरह से शमीम खान ने भी एम्बुलेंस चलाकर परखा कि और एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की भी सुविधा उपलब्ध है। उद्घाटन के बाद ही एमएमवली स्टेडियम में एसिम्प्टोमेटिक मरीज की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और तुरंत उसे इसी एम्बुलेंस से ऑक्सीजन देकर मरीज को कालशेखर अस्पताल पहुंचाया गया। फ्री एम्बुलेंस सर्विस के उद्घाटन के बाद मंत्री जितेंद्र अवार्ड और कलवा मुंब्रा के एनसीपी के अध्यक्ष शमीम खान ने क्या कहा है। ये दूसरी एम्बुलेंस है और 6-7 एम्बुलेंस उपलब्ध है। हमारे मित्र नूरी साहब है, उनके एम्बुलेंसेज है। हमने पहले 2-4 साल पहले एक एम्बुलेंस दी थी, वो एम्बुलेंस है ताकि पेशेंट्स के आने जाने में कोई तकलीफ ना हो और पेशेंट्स को ज़्यादा ज़्यादा सुविधा यहाँ पे मौजूद हो, इसीलिए ये काम। सर ये टोटल फ्री है सर, टोटल फ्री। देखिए आज हमारे मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने हमारे शहर को एक और तोहफा दिया है जिसकी सख्त ज़रूरत थी। एम्बुलेंस की शहर को बहुत सख्त ज़रूरत थी इस्लामुद्दीन साहब। एक्चुअली बहुत सारे हालात और हादसे ऐसे हुए कि वक्त पे एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती थी यहाँ वहाँ, जिसको लेकर के कुछ लोग वक्त से ना पहुंचने के नाते फिर रास्ते में हादसा वाकया भी हो गया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ फरीद नूरी साहब परिवार को कि वो बेचारे उन्होंने एक खिदमत खल किया। थाने कॉरपोरेशन की जानिब से भी चल रही है यहाँ पर एम्बुलेंस, लेकिन मैं परिवहन समिति का सदस्य होने के नाते मैं कमिश्नर साहब से ये मांग करता हूँ कि मुंब्रा शहर में भी एक आप कैडियक एम्बुलेंस दें। हमारे मंत्री जी ने 4 एम्बुलेंसेज दिए हैं जो अब तक शहर में चल रही है और ये उनकी 5वीं एम्बुलेंसेज है। इसके अंदर डॉक्टर्स होंगे, क्योंकि क्या होता है इस्लामुद्दीन साहब जब पेशेंट को हम इसमें बिठाते हैं तो कहीं कहीं ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो इसमें पूरी फैसिलिटीज है ऑक्सीजन की और डॉक्टर्स हैं, ड्राइवर हैं। 24 घंटा ये एम्बुलेंस खिदमत खल्क के लिए हाजिर है। इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट इसको जो है मैनेज करेगी पूरी और इसमें डॉक्टर मुमताज़ शाह, बबलू शिमना, जावेद शेख मेडिकल और मुन्ना चौगले और अपना परवेश शेख और गुड्डू खालू, ऐसे हमारे 6 साथी हैं जो कांटेक्ट नंबर जिनका इस गाड़ी पे लिखा हुआ है वो लोगों से आप संपर्क करेंगे, या अगर उनसे संपर्क ना हो तो मुझे संपर्क करें, हम उनको इन्फॉर्म करेंगे और आप जहां कहेंगे जिस वक्त जहां चाहेंगे वो एम्बुलेंस आपकी खिदमत के लिए मौजूद है। ये एम्बुलेंस स्टेडियम में ही खड़ी होगी, विस्टा सेंटर स्टेडियम है, स्टेडियम में लाना ले जाना सब चीज़ों को करना, लेकिन ये खाली स्टेडियम में ही खड़ी ज़रूर होगी लेकिन फैसिलिटीज पूरे थाने में देगी। आप जहां तक कहेंगे वहां तक ये एम्बुलेंस आपको लेकर के जाएगी और आपको कोई चार्जेस नहीं है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।